Hi guys, welcome back to our YouTube channel. This is Shamoon. I am Shanti. So guys, कैसे हैं आप सब? Hopefully सब ठीक होंगे. So guys, आज की वीडियो होने वाली है मुबारक हो इंडिया आप लोगों को सबों को इंडिया में 5G लॉन्च कर दिया है पीएम मोदी जी ने. तो देखते हैं इसका टाइटल यही है पीएम मोदी जी शोज द पावर ऑफ 5G टेक्नोलॉजी. तो देखने वाले हम इसकी पावर और देखते हैं भाई मोदी जी की खुद की पावर भी बहुत है. नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन. सो फाइनली भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च हो चुकी है. अपने आप में मेजर डेवलपमेंट है ये. यहां पर आप देख पाओगे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है 5G सर्विसेज को. मुझे तो लगता है ये बंदा जो है ना 2022 के लिए, और मुझे लगता है आइंदा 10 सालों में भी ना यही बंदा जो है ना मोदी जी जो है इंडिया का प्रधानमंत्री. कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं, दुनिया बहुत आगे चली गई थी. मैं आपको बताऊं कि भारत से पहले 70 देश है जिन्होंने ऑलरेडी 5G लॉन्च कर दिया था अपने देश में. यहाँ पर आप देख पाओगे वर्ल्ड मैप आपको दिख जाएगा, कनाडा, यूएस, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन साउथ कोरिया, ब्राजील, इन सब ने हमसे पहले 5G बड़े स्केल पर लॉन्च कर दिया. और ये बात मुकेश अंबानी जी ने भी एक्नॉलेज करी है कि देखिए भारत में 5G स्टार्ट तो लेट हुआ है मगर वी विल फिनिश फर्स्ट. और 5G को लेकर आपको पता होगा इनकी जो कंपनी है रिलायंस जियो, इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स है. रिलायंस जियो ही प्रीटी मच आगे धक्का मारेगी भारत में 5G सर्विसेज को. और इनका प्लान ये है कि दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में किसी भी स्टेट हो, किसी भी राज्य में आप हो, वहाँ पे आपको 5G सर्विस मिल जाएगी. अभी के लिए वैसे अगर हम देखें तो एयरटेल और जियो दोनों मिलकर भारत के 13 जो राज्य हैं, 13 जो शहर हैं, यहाँ पर लॉन्च कर देंगे 5G सर्विस को. यहाँ पर आप देख पाओगे ये 13 शहर आपके सामने हैं: मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुड़गांव, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर. तो यहाँ पे तो 5G सर्विस जल्दी से आ जाएगी, फिर धीरे धीरे बाकी शहरों में भी 5G रोल आउट होता रहेगा और इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में भी होगा. नाउ ये बात आपने पता नहीं कितनी बार सुन ली होगी अब तक कि 5G ना 4G से 100 गुना ज़्यादा तेज होगा. मगर आप क्वेश्चन ये उठाओगे कि हमारे यहाँ तो 4G भी स्लो ही चलता है, 4G में भी वो स्पीड थोड़ी ना आती है जो इंटरनेशनली लोग एक्सपीरियंस करते हैं. अभी रिसेंटली एक इंडेक्स तैयार किया गया, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, के दुनिया भर में एवरेज इंटरनेट की स्पीड ब्रॉडबैंड और मोबाइल टावर से कितनी आती है. उसमें भारत की रैंक बहुत खराब थी, 125th भारत की यहाँ पर रैंक आई है. इन लोगों के हिसाब से, इस इंडेक्स के हिसाब से इन्होंने ये बताया है कि इंडिया में वैसे हर साल एवरेज मोबाइल इंटरनेट स्पीड बढ़ रही है. पिछले साल ये स्पीड अगर थी 15 Mbps एवरेज, ऑन एन एवरेज ये स्पीड मिल रही थी इंडिया में, अब ये बढ़ के हो गई है 20 Mbps. और ब्रॉडबैंड स्पीड भी आप अगर देखो भारत में ऑन एन एवरेज आपको मिलेगी 70 Mbps. अभी भी ये ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है. ग्लोबली आप देखो तो मोबाइल इंटरनेट से लोग आराम से ना 70-75 Mbps स्पीड एंजॉय करते हैं. तो इंडिया में वैसे 4G स्लो चलता है, मगर आप इमेजिन करके देखिए 5G में हमको प्रॉमिस क्या किया जा रहा है, 10 Gbps. और वैसे देखो 10 Gbps स्पीड ना किसी भी देश में 100% किसी को मिलती नहीं है. आप अगर 5G की डाउनलोड स्पीड को देखोगे दुनिया भर में तो सबसे तेज आपको मिलेगी साउथ कोरिया में. साउथ कोरिया इंटरेस्टिंगली पहला मेजर कंट्री था जिसने बड़े स्केल पर 5G को लॉन्च किया था 2019 में. तो इनके यहाँ आपको अगर 5G की स्पीड देखनी है तो मैक्सिमम मिलेगी आपको 432 Mbps, जो प्रॉमिस स्पीड है उसका अभी आधा भी नहीं है, आधे से भी काफ़ी कम है. मगर आप सोच कर देखिए आपको मोबाइल पर ही ना अगर 200 Mbps, मैं कहता हूँ 150 Mbps की भी स्पीड मिल गई, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है. जिस तरीके से आप इंटरनेट यूज़ करते हो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा. और भारत में जो बिजनेसेस हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ड्रोन्स कंट्रोल करने हैं, आप बहुत सारे ड्रोन्स कंट्रोल कर सकते हो डिलीवरी के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए 5G के ज़रिए. और ये ड्रोन्स लंबा सफ़र तय कर सकते हैं, लेटेंसी कम होगी. और वेस्ट में तो आप देखोगे यूरोप में, यूएसए में आज के समय किसान 5G का यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए. ये आपके सामने एग्जाम्पल है, किसान है आराम से अपने खेतों में खड़ा है, उसके हाथ में टैबलेट है और 5G के जरिए वो अपने ट्रैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है. ये एग्जांपल्स आपको यूरोप और कंट्रीज़ में भी दिखेंगे. और फिर ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है 5G एम्बुलेंस की, 5G हेल्थ केयर की. अब पहले वैसे हमने बहुत बार सुना है कि मान लो एक पेशेंट है वो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, उसको एक डॉक्टर से बात करनी है जो दिल्ली में है. लोग कहते हैं हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इजी, मगर
4G स्पीड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ढंग से नहीं होती, काफ़ी बार लेटेंसी आती है, वीडियो काफ़ी बार कट जाती है, साउंड क्वालिटी पुअर होती है, मगर 5G में प्रॉपरली वो पेशेंट अपनी जो रिपोर्ट्स है, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर के सामने रख पाएगा। तो हर तरफ से सर्विसेज आर गोइंग टू इम्प्रूव, इंटरनेट का इम्पैक्ट आप सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और इसी बात को हाईलाइट करने के लिए पीएम मोदी रिसेंटली पहुंचे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022। यहाँ पे वेरियस जो अमेरिकन कंपनीज हैं, यूरोपियन कंपनीज हैं, इन्होंने दिखाया कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे जो सिस्टम जो डेवलप किए हैं हमने, उनको अगर हम 5G के हिसाब से यूज करें तो उसका इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग हो सकता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो, यहाँ पर आपको केवल एक गाड़ी का एक सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो प्रधानमंत्री खुद ये एक्सेलेटर प्रेस करते हुए उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्वीडन में जो हेडक्वार्टर है क्वालकॉम का, वहां पर ये पूरा ऑपरेट हो रहा है। और उस गाड़ी को आप कहीं कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये जो गाड़ी देखिए, व्हील आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और स्टेयरिंग, इस वक्त प्रधानमंत्री स्टेयरिंग पे बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल रिमोटली कंट्रोल्ड। और आप देखिए, ये पीछे जाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी को पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और इसके बाद कैसे इसको रिमोटली ऑपरेट करके आप बचाते हुए, जैसे जिस तरह भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि कैसे आप इतनी दूर बैठे स्वीडन के हेडक्वार्टर में आप इस गाड़ी को आराम से यहाँ से चला सकते हैं। और इसका यूजर केस जो मैं आपको बता रहा था कि हैजार्डियस प्लेस पे, जहां पर मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जहां पर पुलिस को इस्तेमाल करना है, जहां पर किसी पुलिसमैन की जान खतरे में न डाली जाए, वहां पर ऐसे जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टोह लेने के लिए कि वहां पर कोई वाकई खतरा है या नहीं। माइंस जहां पर एक्सप्लोसिव। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीयूष गोयल साहब जो हमारे यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, ये भी यहां पर कह रहे हैं कि इस डेमोन्स्ट्रेशन से लोग समझ पाएंगे कि 5G की पावर क्या है। जब लेटेंसी कम होती है, जब इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा होती है, तो उससे आप क्या क्या कर सकते हैं, आप सोच कर देखिए। देखो, भारत से स्वीडन का जो लैंड डिस्टेंस है, ये 6000 किलोमीटर से भी आपको ज़रा मिलेगा, अगर आप इंडिया के बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से खड़े हैं। आप सोच कर देखिए, इतने लंबे डिस्टेंस में भी बिल्कुल रियल टाइम में आप एक कार को कंट्रोल कर सकते हैं। 5G टेक्नोलॉजी की कोई लिमिट नहीं है, ये बस हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि इस टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ करेंगे। इसका यूज़ डिफेंस की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, टेलीकम्युनिकेशंस में, उसके अलावा एग्रीकल्चरल समेत मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सेक्टर में होगा। और GSMA की रिपोर्ट ये कहती है कि 5G टेक्नोलॉजी के रोल आउट की वजह से भारत की इकोनॉमी को टोटल $455 बिलियन का बेनिफिट होने वाला है 2023 से लेकर 2040 के बीच में। और इनके हिसाब से सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि आज के समय जो मॉडर्न तरीका है मैन्युफैक्चरिंग का, वहाँ पर 5G का यूज़ बहुत जगह होता है। और इंडिया के लिए देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि 5G के मामले में ना, हम बाकी कई और कंट्रीज़ की तरह चाइना पे निर्भर होंगे नहीं। हमने चाइना पे कोई डिपेंडेंसी रखी नहीं है 5G इक्विपमेंट के लिए। 5G जो भी इक्विपमेंट होगा हमारा, वो मेक इन इंडिया होने वाला है। तो स्ट्रैटेजिकली भी इंडिया ने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर को चाइना से कर लिया है प्रोटेक्ट। और अब देखिए, सरकार पे बात आती है कि सरकार इंश्योर करे कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ये प्रॉपर स्पीड प्रोवाइड करे लोगों को। देखो, मैं अगेन कहूंगा, 10 GBPS की स्पीड तो मिलती ना, ठीक है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जो प्रॉमिस की गई स्पीड है, उसका 30-35% भी लोगों को अगर मिल गया, तो दैट विल हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट इन इंडिया। और हाँ, वैसे मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि जो कार पीएम मोदी चला रहे थे, ये किसी इंडियन कंपनी की नहीं थी। ये जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन था, ये क्वालकॉम का था। क्वालकॉम अमेरिकन कंपनी है, इनके एक ऑफिस है स्वीडन में। तो उस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका बस डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था। तो ये मैं क्लियर कर दूं ताकि लोगों को कुछ कन्फ्यूजन ना हो। एंड फाइनली, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो खत्म होते टाइम। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में भारत के गृह मंत्रालय ने किस संगठन को बैन किया है एज एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन अंडर UAPA। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी, द लीग, फेमस फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। रिसेंटली किसको एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है, कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं दूंगा नहीं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने लिटरली इस पर पूरा डिस्कशन किया था, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप 5G आ चुका है इंडिया में, फाइनली लॉन्च हो गया। पीएम मोदी ने जो है लॉन्च कर दिया है भाई, मतलब पीएम मोदी जो है ना,
आए दिन जो है कुछ ना कुछ जो है खुशखबरियां लेके आ रहे होते हैं और लॉन्च कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। कभी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हो गई, कभी विक्रांत हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, मतलब भरमार है भाई। और हर जगह तारीफ हो रही है, करने काम कर रहे हैं भाई। तारीफों की तो बात ही छोड़ दो आप, चलो तारीफ है, मतलब हर आए दिन जो है काम हो रहा है और जो है बहुत जबरदस्त बात है, जो कि अच्छी बातें होनी चाहिए। और अब पाकिस्तान में भी शायद जो है लोग काम करना शुरू कर दें कि इंडिया में आ गया तो पाकिस्तान में भी लोग जो है करते हैं, लॉन्च हो गया यहाँ पे, अब शायद हम काम स्टार्ट करें। लेना नहीं है, हो सकता है यहाँ पे भी शायद काम चल रहा हो। तो बाकी इंडिया की बात करते हैं। इंडिया ने यार बाकी में जो है अपना 5GB हासिल कर लिया और उसके बाद बता रहे कि बहुत ज्यादा फास्ट चलेगा, है ना। जाहिर सी बात है भाई, अभी तो वो बोल रहे ना 4GB हमारा पूरा चलता नहीं है। उसकी इंडिया की रैंक बताई ना कि जो 125वें रैंक पे इंडिया है, तो इंडिया अब उसको बेहतरी करेगा। और दूसरी बात ये कि जो है अपना 5G अब आ गया तो उसका जो है पूरा 10GPS उन्होंने बोला ना, उसका आधा 35% में मिल जाए तो लोगों को जो है वो चलाने में मजा ही आ जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी और खास तौर पे जो है ये टेक्नोलॉजी के लिए बड़ा फायदा होगा। कंपनी होती है बड़े बड़े जो अपना काम चल रहा होता है सारे, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है एक आम इंटरनेट यूजर्स के लिए। तो बाकी जो है काफी अच्छी वीडियो थी भाई, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग 5G आ गया है, सेलिब्रेट करें। और कब तक आपके शहरों में, अभी तो उन्होंने बोला ना कि जो है कुछ सिटीज, जैसे उन्होंने 13 सिटीज का नाम लिया कि यहाँ पे अभी लॉन्च हो गया, फिर बाकी आहिस्ता 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 पूरे इंडिया में फैल जाएगा। मेरे ख्याल से 1-1.5 साल लगेगा या फिर हो सकता है 6 महीने, कुछ टाइम पीरियड होगा। 1-1.5 साल नहीं, 6 महीने में जितने मोदी जी फास्ट चल रहे हैं ये तो है, जितनी तेजी से वो काम कर रहे हैं हो सकता है वो 3 महीने में पूरे भारत में। तो भाई फाइनली आ गया है, अब वो पूरे भारत में फैलना तो है ही, देर से सही, फिर हम फैलेगा तो हम बताएंगे आपको, रिएक्शन देंगे। तो गाइस कैसी लगी वीडियो जरूर बताना और चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।